हेलो फ्रेंड्स आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी सो so, इस वीडियो में हम जोलॉजी के एम करेंगे और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है तो उसकी ये आंसर की है तो चलो शुरू करते हैं so, सो इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनका वीडियो पहले से अवेलेबल है ये उसके बाद के क्वेश्चन है ठीक है सो so, पहला क्वेश्चन है वीडियो का कि द केयर ऑफ यंग वाय पेंट्स इन एम्फीबियंस इन तो एम्फीबियंस में ये देखो बिहेवियर भी हो सकता है मैकेनिकल भी हो सकता है उसको मकैनिकली uh, जो है प्रोटेक्ट करना है जैसे कि नेस्ट वगैरह बनाना और इन्फ्लुंस बाय हार्मोन्स भी हो सकता है तो ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिबलिंग स्पीशीज जो है वो क्या एग्जिबिट करती हैं सो देखो सिम जो सिबलिंग uh, स्पीशीज़ है वो क्या होती है कि उनमें uh, ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक पेयर या फिर ग्रुप ऑफ जेनेटिकली क्लोज ली रिलेटेड स्पीशीज़ हो सकती हैं ठीक है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकती हैं वो उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकली भी जो है वो सिमिलर हो सकती हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी होती है उनमें और uh, लेकिन वो जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी उनमें पाया जाता है uh, तो उनमें क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती और उनके जो है ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकते तो सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बायोलॉजिकल क्लॉक इन हायर वर्टीब्रेड्स इज रेगुलेटेड बाई सो जो बायर बायोलॉजिकल uh, क्लॉक है हमारी वो सुप्रा क्यामेटिक न्यूक्लियस इन हाइपोथैलमस इससे जो है रेगुलेट होती है ये ये एक टाइनी रीज़न होता है हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे और uh, ये कंट्रोल करता है हमारी जो बायोलॉजिकली जो क्लॉक है हमारी सकैडियन जो रिदम्स हैं उनको नेक्स्ट है इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग द यंग वंस नॉर्मली बिगिन टू फॉलो देयर मदर तो जैसे ही वो बाहर निकलते अंडे से वो अपनी मम्मी को फॉलो करना शुरू कर देते तो ये बिहेवियर क्या है तो ये बिहेवियर होता है इमप्रिंटिंग और ये बहुत ही जो है एक फेस सेंसिटिव लर्निंग है ये यानी ये तब वो जब छोटे बच्चे रहेंगे तभी तक रहेगा फिर उनका बिहेवियर uh, जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में जो डिफरेंट होता है सो so, ये हो जाएगा इन imprint, की वजह से जो है वो फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशंस ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फ्राम दरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट है मेजर दैट आई यूज टू डिटरमाइन द डिग्री या फिर एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड तो ये जो है होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो क्या होते हैं कि ये इंडिकेट करता है द स्प्रेड ऑफ केस अक्रॉस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स यानी कौन सा तक जो है डिग्री का डिग्री जो है वो वेरिएबल्स की ये शो करता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज या, या फिर या फिर टिपिकल स्कोर को ओके नेक्स्ट है स्टैटिकली स्प्रेड और स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जरवेशन इन ए डेटा इज कॉल्ड तो ये कहलाता है डिस्पर्जन नेक्स्ट है चाई स्क्वायर इज ज़ीरो वन तो ये स्क्वायर जो है जीरो कब होगा जब एक्चुअल डेटा और जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो आइडेंटिकल हो ठीक है यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू ऑब्जर्व फ्रिक्वें फ्रीकवेंसी तब ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वेच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स तो कॉर्डेट्स का कौन सा करेक्टर नहीं है देखो उनमें एक तो फेरेंजियल गिल्स भी पाई जाती है नोटोकॉर्ड भी होता है और होलो या फिर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है लेकिन वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते वो ट्रिप्लो होते हैं कॉर्डेट्स नेक्स्ट अकॉर्डेड विद बैकबोन आर कहते हैं तो जो कॉलम होता है बैकबोन को हम कहेंगे नेक्स्ट फर्स्ट बिलोंग टू तो पहला जो जॉ वाला वर्टीब्रिड वर्टी था वो बिलोंग करता था ब्लैको डोमिको नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर स्क्वाटा इज इंक्लूडेड इन तो ये ऑर्डर जो है वो रेप्टाइल्स में इंक्लूडेड है स्कोयाटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्टार्टम कॉर्नियम जो है वो किसका कॉम्पोनेंट है तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी एपिडोम की स्टार्टम कॉर्नियम नेक्स्ट है फोर चैम्बर्ड हार्ट सॉरी फोर चैम्बर्ड स्टमक इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट कैनाल इन तो फोर चैम्बर uh, जो स्टमक है वो पाया जाता है रूमिनंट एनिमल्स में यानी जो जुगाली करते हैं जैसे कि काऊ है तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा सो so, ये काउ जो है इट इज अ रोमिनेंट एनिमल और इनका जो स्टमक होता है वो र्यूमन रेटिकुलम ओसेमम एंड एबोमसम इन चार पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चर नेम्ड एज बल्बस एट्रियोसस कैन बी ऑब्जर्व इन हार्ट ऑफ तो ये जो टीरोस्ट फिश होती है इनमें ये स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है हमको इसका जो मेन काम है इस बल्बस आर्टियोसिस का वो क्या होता है कि ये मेंटेन करता है स्टी फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द गिल सिस्टम नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोजम इज प्रेजेंट इन ब्रेन ऑफ़ तो कॉर्पस कैलोजम जो है वो प्लेसेंटल मैम्बल्स में जो है ये पाया जाता है मेनली और ये कनेक्ट करता है जो हमारी ब्रेक जो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है ना उसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोजम नेक्स्ट वे अ पर्सन एंगेजेस इन स्टरनेस एंड प्रोलोंग एक्सरसाइज तब क्या होगा कि देखो आ, अगर ऐसी एक्सरसाइज वो मतलब बहुत ही स्टर्नेस एंड प्रोलोंग एक्सरसाइज करता है तो जो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूज़ हो जाता है सो ब्लड फ्लो टू द किडनी इज रिड्यूज नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन वॉट सिक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज अप बाय द बॉडी तो सबसे पहले क्या होता है uh, जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टोर रहता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज तो वो यूज़ हो जाता है सबसे पहले uh, कार्बोहाइड्रेट यूज़ होंगे उसके बाद जो एडिपोज टिश्यो में जो फैट है हमारा वो यूज़ होगा और लास्ट जो है प्रोटीन यूज़ होता है तो कार्बोहाइड्रेट फिर नेक्स्ट फैट एंड देन लास्टली प्रोटीन जो है वो यूज़ हो जाएंगे नेक्स्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ इज तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ जो है वो सिग्मॉइड uh, होता है सो so, uh, ये क्या है कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन ऑक्सीजन लेवल जो कि पार्शियल प्रेशर पे होता है एंड हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन के बीच का जो ये ग्राफ होता है तो इट इज़ अ सिग्मॉइड ग्राफ नेक्स्ट है टेस्टोस्टिर इज प्रोड्यूस्ड बाय तो टेस्टोस्टिरन एक मेल हार्मोन है और ये जो लेडिक सेल्स हैं इनसे प्रोड्यूस होता है और लेडिक सेल जो, जो है वो इंडस्ट्रीशियल सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की सेमिनी फेरस जो कि टेस्टिकल्स में होती है उनमें ये पाई जाती है लेडिक सेल्स और ये टेस्टोस्टिरन हार्मोन का जो है सिक्रेशन करती हैं उनका प्रोडक्शन करती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ मेनी सेकेंडिस पोमेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म फोर हंड्रेड पोमेटोजोन्स तो देखो क्या होता है कि हर एक सेकेंडरी स्पोमेटो जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू टू यानी एक जो है वो दो स्पॉमेट्रिक्स बनाएगा तो जब हंड्रेड प्राइमरी स्पोमेटो होंगे हमारे पास वो जाएंगे वो मियोसिस करेंगे और वो क्या बनाएंगे टू हंड्रेड जो सेकेंडरी स्पोमेटो बनाएंगे तो टू हंड्रेड सेकेंडरी स्पोमेटो बन जाएंगे तो ये जो है क्या बनाएंगे फोर हंड्रेड बनाएंगे सो so, ये फर्दर जो फोर हंड्रेड्स पर हैं ये क्या हो जाएंगे फोर हंड्रेड पर मेटो में कन्वर्ट हो जाएंगे तो स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पा मेट्रिक्स मेटोजोआ हो जाते हैं सो so, यहाँ पे पूछा है हमको आ, कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हमको रिक्वायर होंगे तो आंसर विल बी टू हंड्रेड क्योंकि टू हंड्रेड से फोर हंड्रेड बनेंगे नेक्स्ट है विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन एंड शॉक्स यानी उसको जो है आ, बचाता है एम्ब्रियो को कौन सी लेयर जो है प्लेसेंटा की वो आ, तो ये है एमनियन जो है उसको बचाती है आ, बाई लेड मैमरिन है ये नेक्स्ट है इन मैमलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को नेक्स्ट ओव्यूलिएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ओविशन जो है वो होता है फोर्टीन टू सिक्सटीन डे के बीच में जो है ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम फोर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज़ जो कि फर्स्ट फाइव डे तक चलती है फर्स्ट से लेके फाइव फिफ्थ डे तक है. फिर उसके नेक्स्ट जो है प्रोलीफरेटिव फेज शुरू हो जाती है और ये प्रोलीफरेटिव फेज जो है वो लीड करती है ओव्यट्री फेज़ में एंड ओव्यूलेटरी फेज जो है उसके नेक्स्ट होती है सिक्रेटरी फेज तो टोटल ट्वेंटी एट डेज की साइकिल होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ सिल्क मॉथ जो है बॉम्बेक्स मोराई से नेक्स्ट है पेब्राइन डिजीज ऑफ सिल्क फॉर्म इज कॉज बाई तो पेब्राइन डिजीज जो है ये प्रोटोजोआ से होती है इन्फेक्शन हो जाता है लार्वे में और सो so, प्रोटोजोआ जो है इसका मेन है और नोजिमा बॉम्बे बॉम्बे साइसिस इसका नाम होता है प्रोटोजोआ का इसमें सिल्क वम का जो लार्वा होता है उस पर ब्राउन स्पॉट्स जो है वो हो हैं तो ये है प्रोटोजोआ का नाम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन इन लैंग्सवर्थ मॉडल ऑफ बी है मूवेबल फ्रेम्स आर प्लेसड इन तो लेंस वर्थ ने जो है बी हाइस के मॉडल दिए थे ताकि उनका जो है एप्रीकल्चर uh, में जो है मदद मिल सके सो so, इनके जो मूवेबल फ्रेम्स उनमें रखे जाते हैं तो ये किस में रखे जाते देखो रूड uh, चैम्बर जो है वो होता है क्वीन बी के लिए जहाँ पर वो एग देती है और वहाँ पर जो है हेचिंग होती है ऑफ़ द एग्स सो ये तो होगा नहीं सो ब्रूट चैम्बर के जस्ट ही ऊपर जो है एक सुपर चैम्बर होता है जिसमें ये मूवेबल फ्रेम्स रखे जाते हैं और यहाँ पे जो है ये हनी uh, को जो है प्रोड्यूस uh, करवाया जाता है और या फिर स्टोर जो है वो होता है वहाँ पे सुपर चैम्बर में नेक्स्ट है हनी कैन बी यूज तो हनी जो है उसके बहुत सारे जो है यूजेस होते हैं तो पहला है कि अल्सर को क्योर uh, करने के लिए तो बिल्कुल सही है ब्लड प्योरीफायर की तरह भी ये एक्ट करता है और ये हीमोग्लोबिन को भी जो है बिल्ड करता है सो so, जब आ, एनीमिया हो तो हनी जो है वो खाना चाहिए क्योंकि हनी में आयरन होता है कॉपर होता है और मैंगनीज होता है सो so, आयरन हीमोग्लोबिन के बिल्डअप में मदद करता है सो ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सिकरेटरी प्रोटीन्स आर सिंथसाइज बाय तो सिक्रेटरी प्रोटीन जो है वो जो राइबोसोम है उससे ये बनते हैं ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल सो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सिक्रेटिव प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स टैग्ड विद मैनोजिक्स फास्फेट आर ट्रांसपोर्टेड टू तो आ, ये जो एम सिक्स पी जो है मैनो सिक्स फॉसफेट जो है ये एक सीक्वेंस टैग होती है दैट प्लेज ए पायोटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन फ्रॉम गॉलजी कॉम्प्लेक्स एंड सेल सरफेस से उसको लेके जाते हैं वो कहाँ पे लाइसोसोम को तो टू लाइसोसोम। नेक्स्ट है कनेक्शन आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ तो ये जो है गैप जंक्शंस के कंस्ट्रक्शन में जो है यूज होते हैं गैप जंक्शन क्या होता है कि दो एडजस्टेंट uh, सेल्स जो है उनके बीच में ये एक चैनल की तरह काम चैनल होता है जो कि परमिट करता है आयन्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को टू मूव बिटवीन द एडजस्टेंट सेल्स सो वो होता है गैप जंक्शन नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पायरो एसिड में जो है कितने कार्बन एटम होते हैं तो ये थ्री कार्बन एटम होता है पायरो एसिड और इसका फॉर्मूला देखो सी थ्री एच फोर ओ थ्री सो थ्री कार्बन एटम है ये थ्री कार्बन कंपाउंड है ये वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी पील हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए तो एक ए डी एन ए डी एन ए डी पी के मॉलीक्यूल्स जो है थ्री uh, जो है ए टी पी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज प्रमोटेड बाय तो ये जो है ए टी पी से प्रमोट होता है uh, जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कवर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ए टी पी जो है वो यूज़ uh, होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल इन द रेस्पिरेटरी चेन तो हाइएस्ट जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो है ऑक्सीजन का नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो होती है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है प्लस जो रेस्पायरेशन लॉसेस हैं इन दोनों को मिला के जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि वो अमाउंट जो ऑर्गेनिक मैटर का जो स्टोर होता है बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लोएस्ट ऑफ द बायो जियो केमिकल साइकिल तो सबसे स्लो जो है देखो तो इसमें फॉस्फोरस वाली साइकिल है इसको बहुत टाइम लगता है होने में नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ़ एल्गी एंड फनजाई इन लाइक एन इज़ तो इनकी एसोसिएशन जो है वो म्यूचुअलिज्म होती है क्योंकि इसमें दोनों को बेनिफिट होता है तो वो से हम कहते हैं म्यूचुअलिज़म अब ये जो पेपर है वो जम जो, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसकी एमएससी एंट्रेंस का है तो इसमें पूछा है स्टेट एनिमल ऑफ जे एन के अपन राजस्थान का एग्ज़ाम देंगे तो हमसे राजस्थान का पूछ लिया जाएगा सो स्टेट एनिमल ऑफ जे एन के इज़ हंगुल नेक्स्ट क्रोनो बायोलॉजी डील्स विथ तो ये बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल हमारी साइकिल क्लॉक है बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उससे रिलेटेड है ये क्रोनो बायोलॉजी नेक्स्ट है कैटा ड्रामस पैटर्न ऑफ माइग्रेशन शोन बाय तो कैटा ड्रामस क्या होता है कि इसमें जो फिश uh, है वो कहाँ रहती है फ्रेश वाटर में रहती है और फिर वो मूव करती है टू सी वाटर फॉर स्पॉनिंग यानी बच्चे पैदा करने के लिए सो so, ये ईल है कैटाड्रामस कैटाड्रामस पैटर्न जो है माइग्रेशन का नेक्स्ट है एनिमल ऑफ कम्युनिकेशन एनिमल फॉर कम्युनिकेशन यूज तो कम्युनिकेशन के लिए एनिमल जो है वो साउंड का भी यूज़ करते हैं विजुल डिस्प्ले भी करते हैं एंड फिरोमोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं फिरमोन्स जो है एनिमल्स के हारमोन्स होते हैं सो ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्प्ट ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन तो मॉडर्न कॉन्प्ट जो है वो किस पर बेस्ड है जेनेटिक वेरिएशन आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑल ऑफ द अपा इसका आंसर नेक्स्ट बायोस्टैटिक्स इज ऑल्सो नोन एज तो बायोस्टैटिक्स को हम बायोमिट्री भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर सेट नंबर इन ए सेट तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली uh, होगा उसे हम कहते हैं मोड नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टू कंपेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ जीन बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुपिंग द मैथड यूज इज सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये जो है वो होता है परसेंटेज बार ग्राफ जो कि कंपेरिजन के काम आता है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टार्टिकल हाइपोथिस टेस्ट इन विच दॉलो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नल हाइपोथेसिस तो ये होता है स्टूडेंट टी टेस्ट नेक्स्ट मे इज हैज टेन पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप्स विल भी प्रजेंट इफ ऑल द जीन्स आर मैप्ड तो इसमें जो है टोटल टेन पेयर जो है लिंकेज के बनेंगे क्योंकि टेन क्रोमोजोम्स हैं यहाँ पे सो नंबर ऑफ लिंकेज जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गैनिज्म में वो इक्वल होते हैं तो नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन इट्स है नेक्स्ट नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का जो रेशियो है वो रिप्लेस कर हो गया है बाई नाइन इज टू सेवन ड्यू टू तो ये हुआ है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीकोडोन जो है बेस इज अ बेस्ट ट्रिपलेट ऑन तो एंटीकोडोन क्या होता है टी आर एन ए पे होता है ये और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू अ बेस सिक्वेंस ऑन एम आर एन ए एम आर कोडोन होता है और टी आर एन ए पे एंटी कोडोन होता है, है हमारा इन एफ टू जनरेशन रेशियो ऑफ वन इज टू फोर इज टू सिक्स इन स्टेड ऑफ ये जो का है. तो ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को नेक्स्ट पी सी आर मैथड इज़ यूज फॉर सो पी सी आर मैथड जो है उसे क्या होता है कि ये एम्पलीफाई करता है सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल को मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है उसकी नेक्स्ट नॉर्दर्न ब्लॉट इज अ लेबोरेटरी मैथड यूज टू एनालाइज सैम्पल्स ऑफ तो नॉर्दर्न ब्लॉट जो है वो यूज़ किया जाता है आर एन ए मोलिक्यूल्स को एनालाइज uh, करने के लिए नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग द फॉलोइंग्लाईड टू जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस तो प्रोटीन का मिक्सचर जो है वो अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट है द मैथड यूज फॉर प्रोटोप्लाज फ्यूजन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो देखो एन ए एन ओ थ्री ट्रीटमेंट और कैल्शियम आय एट हाई पी एच एन पी ई जी ट्रीटमेंट ये सब जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रोटोप्लाज फ्यूजन या फिर सोमैटिक हाइब्रडाइजेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन B cells mature in and white cells mature in तो so, T cells while T cells maturing in तो so, B cells जो है वो किस में mature होते हैं bone marrow में और T cells जो है वो thymus में mature होते हैं so option B इसका सही हो जाएगा extra rejection of tissue or organ uh, transplants is brought about mainly भाई यानी कि अगर जो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया और ऑर्गन जो है वो फेल हो जाता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाइक बॉडी तो ये किसकी वजह से होता है ये होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से ये जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स हैं ये हेल्प करते टू तो डिस्ट्रॉय द पैथोजन तो इनको लगता है कि ये बॉडी में जो है पैथोजन आ गया तो ये अटैक कर देते हैं उस पर और ये टिश्यू या फिर ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाते हैं बॉडी के द्वारा नेक्स्ट so, है विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ तो इन सब में से जो है रुमेटोइड आर्थराइटिस जो है एक प्रो लॉन्ग लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही खिलाफ जो है काम करता है नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटी बॉडीज़ आर प्रोड्यूसड फ्रॉम तो ये हाइब्रिडोमा से जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो बनाई जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग फायलम इंक्लूड्स सार्कोडीन्स तो सार्कोडीन्स जो है वो प्रोटोजोआ में है नेक्स्ट केनाल सिस्टम एंड कोइनोसाइटेंट इन तो कोइनोसाइट एंड कोनाल सिस्टम जो है वो पोरी फेरा में प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलम सिलेंड्रेटा इंक्लूड्स तो हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ एंड स्का ये सारी क्लासेस हैं फायलम सिलेंड्रेटा की वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन तो यहाँ पे स्टार फिश जो है इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है एक आइनोडम्स में नेक्स्ट से प्लाज्मोडियम ऑफ टें सेक्शुअल मचॉरिटी ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इन तो प्लाज्मोडियम के पास दो होस्ट होते हैं एक मस्कीटो होता है और दूसरा मेन होता है तो मस्कीटो जो है यहाँ पे इसकी जो है सेक्शुअल लाइफ साइकिल जो है वो कम्प्लीट होती है नेक्स्ट है ल्यूकोसोलिया जो है हैज़ विच टाइप ऑफ केनाल सिस्टम तो लुको सोने भी जो है एस्किन टाइप का केनाल सिस्टम होता है विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक पैटर्न इज शोन बाय ओबेलिया तो ओबेलिया में जो है पॉलीमॉर्फिक पैटर्न ट्राइमॉर्फिक पैटर्न होता है इसमें क्योंकि इसमें जो है uh, ये तीन तरह के पॉलिप्स प्लास्टो एंड मिड्यूसा ये टाइप के जो है ये शो करता है पॉलीमॉर्फिक पैटर्न्स नेक्स्ट है लोकोमोशन इन प्रोटोजोवन्स कैन बी सीन बाय तो प्रोटोजोवन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के ऊपर ही बेस्ड है लोकोमोशन पे ही बेस्ड है तो इनमें सूडोकोडिया भी पाया जाता है फ्लाजिला भी पाया जाता है एंड कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर इन पेलिकल्स ये भी सारे जो है इसमें पाए जाते हैं सो तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना ख्याल रखिए ऑल द बेस्ट थैंक यू